में अपने ही घर में प्रवेश पाने के लिए एक बुजुर्ग महिला 4 दिनों से दर दर भटक रही थी। बुजुर्ग महिला की आंसू पर आखिरकार जिला प्रशासन का दिल पिघल गया और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उसको घर में प्रवेश दिलाकर वाहवाही लूटी। जी हां, एक बुजुर्ग महिला अपने एक बहू के साथ न्याय पाने के लिए गांधी पार्क में अनशन पर बैठ गई। मामले की जानकारी जैसे ही सपा नेता तेज नारायण पांडे को हुई तो वह भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बुजुर्ग महिला फूलवती देवी की आंखों से बहते आंसुओं की धारा ने वहां मौजूद अधिकारियों को हिला दिया, जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग महिला को गाड़ी में बैठाकर कोतवाली नगर क्षेत्र के अंगूरी बाग आवास पर ले गई। बुजुर्ग महिला के घर पहुंचे सीओ सिटी एवं सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच पड़ताल की और बुजुर्ग महिला को घर में प्रवेश दिलाया। बुजुर्ग महिला का आरोप था कि उसकी बड़ी बहू ने उसे यह कहकर घर से निकाल दिया था कि यह घर उसके पति के नाम पर है। घर में ना है रहते थी। काहे काब है? आग आईली घर से, घर में हलई ना देते, दू दू ताला झुलौले हैं, कहीं तोहर घर ना है। फिर जब हाली भारती दीदानी है तो नू ना रहे दहनी, कहीं हमार मकान है। के कहा था? भारती जी। और के ना हले दे वो दोनों जने हमारे पतोहा वो बहू ना हल देते दोनों जने। कहाँ का मामला आई? अंगूरी बाग का। मकनवा के क्या है? हमार आप कहाँ गए रहे हुए हैं? गैर लाली है घरे। हाँ। लड़का तबीयत खराब है। हाँ। तो घरे गैर लाली 4 दिन रह गई थी, फिर आई खल ही नहीं पहुँचा। तो अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं लेकिन हमारे घर मिल जाए।